हेलो एवरीवन, हम जानेंगे केवीएस एग्जाम के बारे में। इसमें एज क्या रहती है, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, प्रोसेस क्या रहती है और आपकी आपको नोटिफिकेशन इसकी कब देखने को मिल जाएंगी, सब कुछ जानेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, केवीएस एग्जाम आप सब जानते होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। रिक्वायरमेंट, केवीएस रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में बात करेंगे। पोस्ट नेम, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट इसमें आती है। उसके बाद केवीएस एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड, मतलब एग्जाम डेट ये नोटिफाई कर देंगे, नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। क्योंकि देखिए, आपके एग्जाम कब कब हुई है ये भी हम जानेंगे। लास्ट 2023 में आपके एग्जाम हुई थी और 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। उसके पहले चार बिफोर फोर ईयर की हम नोटिफिकेशन देख लेंगे और एग्जाम देख लेंगे कि कब कब हुई है और आगे कब होने की संभावना है। एग्जाम लेवल, नेशनल लेवल की एग्जाम होती है आपकी। मोड ऑफ एग्जाम, ऑनलाइन मोड में होती है। आपकी जो सीटेट एग्जाम होती है वो तो आपके ऑफलाइन मोड में होती है, लेकिन ये जो केवीएस की एग्जाम है ये आपकी ऑनलाइन मोड में होगी। मतलब आपके सीबीटी बेस्ड इसमें टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इंटरव्यू भी होता है। मार्किंग स्कीम तो देखिए, 1 मार्क्स मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ड्यूरेशन, टाइम मिलता है 3 घंटे मिलते हैं आपको इसमें, 3 आवर्स का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग तो नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू एज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट, पोस्ट के हिसाब से इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट, ठीक है। और ऑफिशियली वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। देखिए, केवीएस पीआरटी एग्जाम पैटर्न, इसका क्या एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहता है। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर, 3 तरह के होते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। प्राइमरी टीचर इसमें आता है, टीजीटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखिए, तो इसमें पीआरटी का सिलेबस क्या रहता है, पीआरटी पार्ट, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन हम देखेंगे। पार्ट फर्स्ट इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दो सेक्शन में डिवाइड रहता है। 10 नंबर की जनरल इंग्लिश आती है और 10 नंबर की आती है आपकी जनरल हिंदी, और 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पार्ट वन है 20 मार्क्स का आता है आपका, ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा, 20। और पार्ट टू इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी के आएंगे। तो इस तरह से ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट थर्ड आएगा आपका प्रस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके आएंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है, इसके 60 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट फोर में आएगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 80 क्वेश्चन इसके आएंगे। इस तरह से टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स के ही रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और 3 घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए, ठीक है, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए, अब पीजीटी का सिलेबस हम जानते हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फिर हम देखेंगे टीजीटी का सिलेबस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। देखिए, इसमें भी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वही मार्क्स सेम रहने वाले हैं। ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये यहाँ तक सेम है। पार्ट सेकंड, ये यहाँ पर देखिए पार्ट थर्ड में डिफरेंस है। प्रस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये 40 नंबर की आती है इसमें, और 40 क्वेश्चन रहते हैं। और कंसर्न सब्जेक्ट से आपके आते हैं 100 क्वेश्चन, वहां पे 60 और 80 का था, यहाँ पर 40 और 100 का है, ठीक है, यहाँ 60-80 का रेशियो, यहाँ पर है 40 और 100 का। तो इस तरह से आपके ये भी 180 के रहेंगे और 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें देखिए ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 40 और 100 का, ठीक है, जो सेम है इसका, पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम पैटर्न सेम ही है। लेवल में आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एक हाई लेवल की पोस्ट होती है, तो आपको इसमें थोड़ा सा हाई लेवल आएगा एग्जाम में और इसमें थोड़ा सा लो लेवल आ सकता है। देखिए, अब हम बात करते हैं एज लिमिट। तो देखिए, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपर एज लिमिट की बात करते हैं हम, तो अपर एज लिमिट है किसकी, पीआरटी की 30 ईयर, ठीक है। अगर आप 30 साल के हैं, ठीक है, या इससे कम, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 30 ईयर अपर एज लिमिट है प्राइमरी टीचर बनने की, ठीक है, किसमें, केवीएस में। टीजीटी की बात करते हैं और पीजीटी की, पीजीटी ये और हाई लेवल की है, सबसे हाई लेवल की, तो इसमें 40 ईयर है,
ठीक है, 40 ईयर मतलब 40 साल, और टीजीटी की है 35 ईयर, 35 ईयर, ये इसकी अपर एज लिमिट है। इतने साल की अगर आप है तो आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, मतलब ये अपर एज लिमिट है इनके, इनसे कम भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब लास्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम कब कब आई है। लास्ट फोर केवीएस 2016 में आई थी एक नोटिफिकेशन इसकी, 2016 में नोटिफिकेशन आई थी सितंबर में, फिर आई थी आपकी, मतलब हर साल ये वैकेंसी निकालते हैं। केवीएस 2017 में आई थी, 2017 में आई थी अक्टूबर में, 2018 में आई थी अगस्त में, 2018 में नोटिफिकेशन आई थी इसकी अगस्त में। उसके बाद कोरोना की वजह से नोटिफिकेशन मतलब इसकी एग्जाम थोड़ी लेट हुई। फिर देखिए केवीएस यहाँ पर थोड़ा गैप हो गया कोरोना की वजह से, 2022 में नोटिफिकेशन आई थी जिसकी एग्जाम आपकी 2023 में ली गई थी जून जुलाई में, ठीक है। तो इसकी एग्जाम 2023 में आपकी कंप्लीट हो गई थी पूरी प्रोसेस जून जुलाई में, और 2022 में आपकी नोटिफिकेशन इसकी आई थी। अब इसकी संभावना है कि नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी, दिसंबर लास्ट तक अगर नहीं भी आई तो जनवरी में आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है, आपकी एग्जाम फिर इसके बाद ये कंडक्ट करवा लेंगे। अब हर साल इसकी एग्जाम आने वाली है, कोरोना की वजह से यहाँ पर गैप आ गया है, लेकिन हर साल इसकी एग्जाम होती है, ठीक है। तो आप प्रॉपर इसकी तैयारी कीजिएगा। इसकी जो क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, कौन से पोस्ट के लिए आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। सीटेट का बैच मतलब आपको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी, अगर आप किसी भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए, तीनों के लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। देखिए तो सीटेट अगर अभी जिसकी क्वालिफाई हो चुकी है वो तो केवीएस में फॉर्म डाल पाएंगे, लेकिन जिसकी अभी क्वालिफाई नहीं हुई है, 15 दिसंबर को एग्जाम है और आपकी जनवरी तक इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो तब तक अगर आपकी केवीएस की वैकेंसी नहीं आती है तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ताकि आप वहां पर केवीएस में भी अप्लाई कर पाए ये एग्जाम देने के बाद। तो देखिएगा सीटेट का बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, लेक्चर अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलने वाली हैं। पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी करवाई जाएंगे, मीडियम हिंदी। देखिए 12 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑफर की, 1000 रुपए इसकी फीस हो गई है, 1500 रुपए थी, लेकिन ऑफर चल रहा है अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर, जिसमें इसके फीस 1000 रुपए कर दी गई है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, वहां पर कॉल करके भी आप ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।